आप सब लोग सुबह सुबह यहाँ। रोमा, जो जो बात है तुमने मुझे बोली वो इनके सामने रिपीट करो। दक्ष ने कहा था कि अगर उसकी जान को कभी खतरा होगा तो बाहर के किसी शख्स की वजह से नहीं, अपने किसी से होगा। तुम्हारी बात कर रहा था वो कृष्णा। क्या आपको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता? क्या आपने दक्ष के बारे में इतनी सारी बातें बोली? देवराज सर, हमने दक्ष को ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। सॉरी कृष्णा, लेकिन दक्ष कभी झूठ नहीं बोलता था। वो टूट चुका था, तुम्हारी वजह से। तुमने तोड़ा था दक्ष को। किसने कहा आपसे? कोई सबूत है आपके पास? तुम डिटेक्टिव हो ना, गुनहगारों के सुराग ढूंढती हो। अगर उनकी गलतियों से सीखा होता तो आज ये देखने को नहीं मिलता। सोचो, अगर मैंने ये वीडियो देवराज को दिखा दिया। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको ऐसा कुछ करना होता तो अब तक कर दिया होता। इंटेलिजेंट। देखो, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। तुम्हारी और मेरी दुश्मन एक है, राजकुमारी कृष्णा। क्या बोलती हो, कृष्णा को बर्बाद किया जाए? बोलिए, कोई सबूत है आपके पास? देव, कृष्णा को सबूत दिखाना होगा। दक्ष ने कहा था कृष्णा उसे कोई इंजेक्शन देती है जिससे उसे गुस्सा आता है, बेचैनी होती है। ये क्या कर रही हैं आप? हम कोई चोर नहीं जाकर तलाशी। इस महल में अब भी सिर्फ हमारा हुक्म चलता है। यहीं खड़ी रहेंगे आप? क्या हो गया है आप सब लोगों को? दक्ष ने कहा था कि एक लाल रंग का पर्स है जिसमें तुम सारी दवाइयां और इंजेक्शन रखती थी। हमारे पास कोई लाल पर्स नहीं है और आज तक कभी कोई लाल पर्स नहीं था। तो फिर ये क्या? ये हमारा नहीं है और हम सच में कह रहे हम नहीं जानते यहाँ कैसे आए। तेरा सर, हम मंदिर में रहते हैं, कितने लोग आते जाते रहते हैं यहाँ, किसी को भी आने जाने की कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी हमें फंसा सकता है। विश्वास कीजिए, हमने ऐसा नहीं किया। विश्वास, और वो भी आपका, कभी भी नहीं। मैं आपको इस जगह से तो बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन यकीन कीजिए आपको अपने दिल से निकाल दिया है मैंने। और हां, अगर किसी ने भी, मेरा मतलब है किसी ने भी, अगर इनके कहने पर कोई भी हरकत की तो मैं उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। आप मेरी मजबूरी बन गई हैं कृष्णा, और देवराज सिंह राठौड़ को मजबूर रहना कभी भी पसंद नहीं था। आपका प्रॉब्लम क्या है कृष्णा? क्यों कसम खा के बैठी है हमारे दोनों बच्चों की जिंदगी खराब करने की? एक की जान तो आप ले चुकी है, दूसरे को बख्श दीजिए। यहां और कोई नहीं रुकेगा कृष्णा के अलावा। अगर कृष्णा से किसी ने भी इस महल में हमदर्दी दिखाने की कोशिश की तो कल से वो इस महल में दिखाई नहीं देगा। सारे चलिए यहां से। Thank you.
बिहारी जी, ये लोग हमें समझे या ना समझे, आप तो हमारा साथ जानते हैं ना। इस घर में रोज हमें ऐसे इम्तिहान देने पड़ेंगे और हम देंगे। हम पर लगे हर एक झूठे इल्जाम का जवाब देंगे हम, और वो भी मुस्कुरा के। बस आप हमारा साथ मत छोड़िएगा। हमारे और देवराज सर के बीच में दरार डालना चाहता था। हो सकता है उन्होंने मरने से पहले रोमा को हमारे बारे में सब झूठ बोला। लेकिन अगर वाकई ऐसा है तो रोमा को तो महल में आए हुए काफी दिन हो चुके हैं, उन्होंने आज ही ये बात क्यों निकाली? कोई जरूर देवराज सर और हमें अलग करने की साजिश कर रहा है, और हम ये सफर होने नहीं देंगे। इन सवालों के जवाब हम ढूंढ के रहेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा ऑफिस जाना जरूरी है। हम देवरा सर को ऐसी हालत में अकेले नहीं छोड़ सकते, और हो सकता है कि देवरा सर के आसपास रह के हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाए। शुक्र है कि हम देवरा सर से पहले पहुंच गए। सब ठीक है ना? गुड मॉर्निंग सर। लैला, लैला लैला चिल्लाऊंगा कुत्ते फेरी की। गुड मॉर्निंग डियर सर, हाउ आर यू? ये यहाँ क्या कर रही है? तिशा, तुम्हारी डेस्क पर एक रॉयल स्टैंप लगा हुआ नोटिस रखा हुआ है, जाओ और उसे जाके पढ़ो। ओके थाइला मैम। इट्स लैला, सॉरी थाइला। Yes, dear sir. How are you? तीव्र सुनने में अपने आसपास रहने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। One second, ma'am. Yes. हो गई तसल्ली, अब जाओ यहाँ से। और हाँ, कोशिश करना कि आज पूरे दिन ना डीएसआर के सामने मत आना। Got it? हमें देवराज सर से बात करनी है। कौन सी लैंग्वेज में समझाओ तुमको? हाँ, डीएसआर इज नॉट योर डायरेक्ट बॉस, बट आई एम। सो मैं यानी कि तुम्हारी बॉस तुमको जाने के लिए कह रही हूँ। एंड यस, अगर तुम्हें इतनी छोटी सी बात नहीं समझ आती ना, सो प्लीज लेट मी नो, मैं किसी और को हायर कर लूंगी। नहीं, बस हार मानना ही तो नहीं सिखाया हमने? और जब बात देवरा सर की हो, फिर तो हम चाह के भी कभी हार नहीं मानेंगे। ओके, गॉट इट लैला मैम। इट्स लैला, राइट? एंड यस, गेट मी दीस फाइल्स प्लीज। ये हमारी फाइल। सी, लास्ट टाइम भी मैंने तुमको बोला था, मेरे सामने जितना कायदे में रहोगी ना, उतना फायदे में रहोगी। Got it? So do as I say. Get back to work. हमारी मेहनत का फल तो हम ही खाएंगे। मत कर, मत कर, मत कर, मैं भी मार दूंगा। मेरी शर्ट खराब हो जाएगी, मत कर। अच्छा ठीक है, तू भी मेरे पर मत डाल। हाँ, मैं भी नहीं करूंगा। आप तो अभी तक पिचकारी से खेल रहे हो, लेकिन होली तो कब की खत्म हो गई है ना? लेकिन रंग तो नहीं खत्म हुए ना, और अगर रंग ही नहीं खत्म हुए तो होली कैसे खत्म होगी? आप दोनों को होली खेलनी है। एक आइडिया है मेरे पास। हमारी ना एक फ्रेंड है,
और उसे ना होली खेलना बहुत पसंद है। आप दोनों उसके साथ खेलोगे? हाँ। बिना एसी के ऐसे लगने लगा है कि मैं पिघल जाऊंगी। कब तक हमें ऐसे सर्वेंट क्वार्टर्स में रहना पड़ेगा? शाही खानदान में पैदा होने के बाद किस्मत में यही लिखा था, विदाउट एसी छोटा सा पंखा। मीनाक्षी भूलो मत कि तुम किससे बात कर रही हो। उग्रा अपनी किस्मत खुद लिखना जानती है, तुम बस देखती जाओ। मीनाक्षी देखा ही तो नहीं जा रहा है ना उग्रा दी। वैसे देखने से याद आया, आपने ना कृषा का बहुत ही मजेदार बेइज्जती सेशन अपना देखने से रह गई। सुना था मैंने, पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि कहां दक्ष और कहां उससे आधी से भी आधी कृषा। आखिर वो विद्या से कृषा दक्ष को जबरदस्ती इंजेक्शन लगा कैसे सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि इस खेल में कोई नया खिलाड़ी आ चुका है। बहुत स्मार्ट खिलाड़ी है वो, गजवर्धन जी राठौड़। ये मिस हिंदी डिक्शनरी को इस महल से निकालना बड़ा टेढ़ा काम। I'm telling you, वो कहीं नहीं जाएगी। जाएगी? बहुत जल्द जाएगी। हमारे आरव की शादी से पहले तो जरूर जाएगी। आरव की शादी? ओह या। हम ना आप लोगों को बताना ही भूल गए। आरव के लिए रिश्ता आया है। ईशापुर की राजकुमारी नयनतारा का। राजा जी ने खुद हमें फोन किया था। जैसे ही आरव की शादी होगी ना, हम इस कृषा को राजमहल के बाहर निकाल ही देंगे। उसके बाद आरव का बच्चा राजगद्दी पे बैठेगा और उसके बाद हम आप दोनों को महल में आने का परमिशन दे देंगे। डोंट वरी। एक मिनट मीनाक्षी, हम दोनों की सजा का तुम्हारे आरव के बच्चे से क्या लेना देना है? ओहो उग्रा दी, हमें तो लगा था कि आप समझदार हो। अब देखिए, आरव की शादी राजकुमारी नयनतारा से होने वाली है। राजकुमारी नयनतारा, तो दोनों का बच्चा तो ब्लू ब्लड रॉयल ही होगा ना, तो किसी और से ज्यादा हक उसी का बनेगा राजगद्दी पे। लड़की हो या लड़का, कोई भी बैठे राजगद्दी पे, लेकिन राज तो मेरा ही चलेगा। हेलो हेलो लैला। हेलो हेलो, आई कांट हियर यू। हेलो हेलो हेलो, आई कांट गेट योर वॉइस। आपकी आवाज नहीं आ रही। व्हाट द हेल, क्या हो रहा है ये सब? हेलो ओली, हेलो ओली, मुझे मुझे ये क्या कर रही हो? सॉरी, व्हाट माय डिजाइनर ग्लो, ये सब क्या हो रहा है? डीएसआर सी लैला, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये ऑफिस है, कोई प्लेग्राउंड नहीं। अब ऐसे मीटिंग में नहीं आ सकती, हमारे रॉयल क्लाइंट्स बसाते होंगे, जल्दी जाइए चेंज करके आइए। कम ऑन। आई डोंट हैव एनीथिंग टू वेयर डियर सर, माय डिजाइनर क्लोथ्स आर गॉन। महाराज जी रानी साहिबा, देखिए ऐसे रोने की जरूरत नहीं है, इसे पहले कि महाराज जी और रानी साहिबा आपको ऐसे देखें, जल्दी जाइए चेंज करके आइए। कम ऑन। आई विल जस्ट गो। आपकी बेटी के लिए हमारा होटल बेस्ट रहेगा। वैसे तो कहने की जरूरत नहीं है, आप तो जानते ही हैं कि हमारे होटल की सर्विसेज, केटरिंग और एम्बियंस, इसका मुकाबला यहाँ का कोई भी होटल नहीं कर सकता। आई नो आपकी गैदरिंग बहुत ही ज्यादा है और उसके लिए हमारा ये लॉन बेस्ट रहेगा। प्लीज हैव अ लुक। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ यू विल अलाउ अस टू होस्ट दिस रॉयल वेडिंग, तो उसके लिए हम आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड डेकोर भी अरेंज करके देंगे। और हाँ, आपके और आपके गेस्ट के यहाँ आते ही उनकी सारी प्रॉब्लम्स हमारी। देवराज, आपके बारे में हमें सब ऑलरेडी पता है, हमारी इकलौती बेटी की शादी है, इसीलिए हमने भी थोड़ा होमवर्क किया है। क्यों, क्या कहती हैं आप? हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या स्पेशल है जो इस लेवल की बाकी होटल्स में ना हो। स्पेशल?
स्पेशल जगह नहीं, स्पेशल तो लोग होते रानी साहिबा। सो प्लीज प्लीज हैव अ सीट। हम अपना इंट्रोडक्शन खुद दे देंगे। प्लीज प्लीज हैव अ सीट। हमारा नाम कृषा है और हम आपको कोई भी फैंसी पिच नहीं करने वाले। लोग ना शादी को एक फंक्शन, एक इवेंट की तरह लेते हैं, लेकिन शादी शादी तो एक प्यार का बंधन होता है। हमारे देवराज सर वो अक्सर अपने स्टाफ को कहते हैं कि प्यार में व्यापार की मिलावट करने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो बस आज हम भी व्यापार की बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आज अगर बात होगी तो सिर्फ प्यार की। रानी साहिबा, आप पूछ रही थी ना कि हम शादी में क्या स्पेशल करेंगे। कुछ लाइट लगवा देने से, खाना स्वादिष्ट बना देने से ये दिन खास नहीं हो जाता। ये दिन खास बनेगा जब यादें खास बनेंगी। आपको पता है जब हमारी शादी हुई थी ना तो हमारे पापा को ज्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो पूरे दिन तैयारियों में लगे रहे। और आज जब हम उस दिन के बारे में सोचते हैं तो ना हमें वो लाइट्स याद आती हैं, ना हमें वो खाना याद आता है, ना हमें वो मंडप याद आते हैं। बस याद आता है तो पापा के साथ बिताए हुए वो पल और मम्मी की आंखों में वो खुशी, और तब हमारा दिल कहता है कि काश काश ये पल थोड़े और लंबे होते। और यही पल हम आपके परिवार को और आपकी लाडली मधु को देना चाहते हैं। और फिर बस 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 सारे आंसू यही निकलवा दोगी। हमने उस पल को यहां बैठे बैठे महसूस किया और वो एकदम वैसे ही था जैसे हमें चाहिए। हमें आप लोगों पर पूरा भरोसा है, हमारी बेटी की शादी इसी होटल में होगी। लेकिन आप मुझे सच में मेंटली अनस्टेबल कर रही हैं। देवराज सर, हमें उन्हें कोई दवाई नहीं दी है। बिल्कुल चुप। क्या हो गया आप? मैं आप किसे समझ नहीं पा रहा हूँ कृष्णा, बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। आप चाहे जिंदगी भर उस मंदिर में रहें, लेकिन मैं आपसे फिर भी प्यार नहीं करूंगा, समझिए आप। इस तरह रोज कुछ ना कुछ होता रहेगा और मेरी नफरत आपके लिए बढ़ती रहेगी। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या पागल हो रहा हूं मैं आपकी इस प्रेजेंस से? क्यों कर रहे हैं आप? इसलिए प्लीज प्लीज मैं आपसे दूर रहना चाहता हूं, आपसे नफरत नहीं करना चाहता। इसलिए भगवान के लिए मुझे आपसे नफरत करने पर मजबूर मत कीजिए और दूर चली जाइए मुझसे। इतने टूटे हुए आप अंदर से कैसे चले जाए छोड़ के आपको? नहीं, कर लीजिए, जितनी नफरत करनी है कर लीजिए, हम आपकी नफरत बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इस उम्मीद को नहीं छोड़ेंगे कि एक दिन फिर से हम आपका प्यार और आपका भरोसा जीतेंगे। लेकिन उसके लिए हमें यह पता लगा रहा होगा कि
आपके दिल में, आपके दिमाग में जो जहर भर रहा है, आखिर उसका असल इरादा क्या है? ये रोमा चाहते क्या है?